के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन चल रहा है, इसकी 35वीं गाथा पर अपन चर्चा करेंगे। प्रवचन सार में दो विषय बहुत मुख्य हैं, जिसकी वजह से प्रवचन सार की इतनी महिमा है। एक तो ये प्रकरण जो अब चलने वाला है, माने सर्वज्ञता का स्वरूप। भगवान अपने होते हैं केवल ज्ञानी, वे कैसे होते हैं ये बात इसमें बताई है। बहुत मार्मिक है, अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि हम रोजाना देव सास गुरु की पूजन करते हैं और देव उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ वितरागी और हितोपदेशी हो। तो ये सर्वज्ञ का स्वरूप यहाँ बताया गया है। तो हम सच्चे देश को देव को तभी पहचान सकते हैं जब सर्वज्ञता का स्वरूप हमारे ख्याल में आए। और दूसरा प्रकरण है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में, द्रव्य सामान्य अधिकार में, उत्पाद व द्रव्य वगैरह के संबंधी जो प्रकरण है वो बहुत मार्मिक प्रकरण है, जिसकी वजह से आचार्य जयसेन ने उसे सम्यक दर्शन अधिकार कहा है, क्योंकि वो विषय वस्तु को समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। उत्तम चंद जी साहब ने पंचास्ती का आरंभ किया, बहुत मार्मिक ग्रंथ है और उन्होंने गहरा अध्ययन उस पर किया है। पंचास्ती काल में जिन सर द्रव्यों की व्यवस्था एक तरह से बताई है, तो प्रवचन सार के उस हिस्से में वो उत्पाद व द्रव्य जो वस्तु का स्वरूप है, वो स्वरूपास्तित्व और सादृश अस्तित्व, वो सब ऐसा गंभीर विषय है उसी से। और अगला स्टेप उन्होंने कहा भी था कि मध्यम रुचि वालों के लिए प्रवचन सार में ये बताया जाएगा। तो ये वो प्रकरण है, लेकिन वो प्रकरण तो अपन अभी यहाँ चला नहीं रहे, वो भी बहुत मार्मिक प्रकरण है। ये प्रकरण अपन ने वहाँ शुरू किया था मेरठ में, लेकिन 3 दिन में ही मामला ऐसा हो गया कि हमारे पास जनता आने लगी और कहने लगी कि साहब ये तो आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना क्या जे, जे, आप हमारे लिए तो कोई सरल विषय चला। तो इसे बंद करना पड़ा था और उसके बाद नवोकार मंत्र पर चलाया विषय, तो 8 दिन तक अकेले नवोकार मंत्र पर ही प्रवचन हुए थे और बहुत ही मार्मिक अच्छे प्रवचन हैं नवोकार मंत्र से संबंधित। उनको भी अभी कैसेट सब यहाँ उपलब्ध होंगे, आप लोगों को सुनना चाहिए। अभी ये जो प्रकरण है अब द्वारा हिम्मत करके उसको हम चला रहे हैं। ये अत्यंत उपयोगी प्रकरण है, और ये ऐसा नहीं समझना कि ये तो विशाल रुचि वाले विस्तार रुचि वालों के लिए है। ये सर्वज्ञ का स्वरूप रोजाना के पुजारी को जानना जरूरी नहीं है। जो सर्वज्ञ का स्वरूप हम बालबोध पाठमाला भाग 1 में देवसास गुरु के पाठ में बीतरा विज्ञान भाग 1 में देवसास गुरु के पाठ में ही बता देते हैं कि जो बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो उसे सच्चा देव कहते हैं। कदम कदम पर आता, हर स्थिति में आता, सकल गए ज्ञायक तदभी निजानंद रसलीन, आता ना हर जगह है, बीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अपूर्ववास, कदम कदम पर आता है। तो बिल्कुल जो पहले दिन का जैनी हो, माने जिसने जैन धर्म का स्वाध्याय आज पहले दिन शुरू किया हो, उसके लिए भी अत्यंत उपयोगी है। और जो बड़े से बड़ा विद्वान हो और उसने भी यदि सर्वज्ञता का स्वरूप गहराई से नहीं समझा है तो उसके लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि हमने नहीं समझा है, लेकिन बात कुछ और है, क्योंकि सर्वज्ञता का स्वरूप समझे बिना मेरी दृष्टि में यदि समझ जाए अध्यक्ष भाई
तो उसे सम्मा दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। उसको मैं कोई महीना की, दो महीना की, छह महीना की म्याद नहीं दूंगा। मिनटों में सर्वज्ञता का स्वरूप समझना ही सम्यक दर्शन है। वस्तु का मूल स्वरूप है आप मेरा समझना। कभी बताऊंगा मैं कि इसलिए बहुत बड़े से बड़े विद्वान के लिए यदि उसको कहीं अंदर से स्वीकृत है कि मुझे अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, जिसको स्वीकृत नहीं हो उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन स्वीकृत है तो उन्हें ये समझना चाहिए कि हमारी समझ में अभी सर्वज्ञता के समझने में कुछ कमी है। तब वो इस गुरुता और गंभीरता से, मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कम से कम इस शिविर में कि जो स्मारक भवन में आते हैं और गंभीर विषय को समझने के लिए आते थे, पहले सब आते थे लालचंद भाई वगैरह, गुल जी साहब और भी लोग आते थे तो उन गंभीर विषय चलाते थे और गंभीर विषयों से अपन सब सब हैं। अब अपन चलाते हैं तो फिर कहाँ पढ़ाएंगे, फिर ये प्रकरण हम कहाँ चलाएंगे? यदि हम यहीं नहीं चला पाएंगे तो कहाँ चलाएंगे? इसलिए आप गंभीरता से इस विषय को लेना। मैंने आपको 10 गाथाओं का पाठ कराया है। पहली बात तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि ये पाठ को हम बेकार की चीज नहीं समझे, इसमें बेकार समय खराब करते हैं ऐसा हम अंदर से फीलिंग नहीं करें। ये कुंद कुंदाचारी देव का बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि वो तो प्योर कुंद कुंद की वाणी है। हम जो बोलेंगे उसमें कुंद कुंद की कुछ होगी, कुछ महावीर की होगी, कुछ हमारी भी होगी, तो उससे वो बहुत महान है। एक घंटा पाठ ही करते रहे अपन तो भी ये प्रवचन से महान होगी वो, क्योंकि कुंद हम आचार्यों की वाक्य का पाठ करेंगे यदि उसका अर्थ हमारी समझ में आता जाता है। मुझे शायद ऐसा ख्याल है कि पूज गुरुदेव श्री चतुर्दशी के दिन एक महीना में एक बार बस पाठ ही का रखते थे और खुद बैठते थे और सारे श्रोता आते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज तो पाठ है, आज जाने की क्या जरूरत है, वो बहुत गंभीरता से वो पाठ करते थे। तो ये 10 गाथाएं रोजीना पाठ की गाथाएं हैं, वो 10 दिन तक आपको पढ़नी है। 10 दिन में तो याद हो ही जाएंगी, फिर याद कराने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन आपको ये विषय वस्तु ख्याल में रहे कि अपना ये 10 दिन क्या चलने वाला है। ये 5 गाथाएं तो मैं इसके पहले शुरू की हैं और 5 गाथाएं जो मैं चलाऊंगा और मैं समझता हूं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। एक गाथा और बढ़ा देना यहाँ इसमें, जो 40 तक है उसे 41 तक कर देना, वहां विषय वस्तु खत्म होती है। तो ये जो गाथाएं हैं, जो वे 5 गाथाएं जिन गाथाओं को हमें पहले जानना चाहिए कि हम कहां से अब शुरू कर रहे हैं, हम 35वीं गाथा में आ गए हैं तो कहां खड़े हैं, इसके लिए वो 5 गाथाएं मैं पढ़कर उसका सामान्य अर्थ आपको पहले बताता हूं। निकालो पेज नंबर 438, ये किताब अनुशीलन, उनका सामान्य अर्थ बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको ये आइडिया रहे कि हम इसके पीछे का प्रसंग क्या था, हम क्या बात कर चुके हैं और आगे हम क्या बात कर रहे हैं, है ना। 31वीं गाथा से, बे अर्थ ना हो ज्ञान में तो ज्ञान ना हो सर्वगत, यदि ज्ञान है यदि सर्वगत तो क्यों ना हो वे ज्ञान गत। बहुत सरल गाथा है, मन इतनी कठिन नहीं है और विस्तार से इसका अर्थ मैंने पीछे समझाया है। अब मैं इसमें विस्तार में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उनको बिग कैसेट निकाल के सुनना चाहिए कि अब क्या करे। ज्यो ज्ञान भी है व्याप्त, नहीं वे अर्थ ना हो ज्ञान में, सारे लोकालोक के जो पदार्थ हैं वे केवली के ज्ञान में झलकते हैं, ऐसा पहले पीछे आ चुका है, केवली उन्हें जानते हैं। बीच में अपने झलकते और जानने में बहुत चक्कर चला था,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ इसमें दोनों का एक ही अर्थ समझना, झलकते कहें और जानते कहें, बस इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अंतर है। झलकते हैं तो पदार्थ करता हो गए और जानते हैं तो ज्ञान करता हो गया, बस इतनी सी बात है। आप जानते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने को क्या करना पड़ता है? अंग्रेजी का भी कोई नियम होगा और संस्कृत में भी है कि राम ने रावण को मारा, राम रावण को मारता है, ये वाक्य है। तो राम है कर्ता और रावण है कर्म, तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे, कर्ती वाच है नहीं और कर्म वाच बनाएंगे तो क्या होगा? रावण राम के द्वारा मारा गया। अब बात एक ही है, मरना रावण को ही है, मारना राम ही को है, कुछ बदला नहीं है। फिर भी पहले वाक्य में, क्योंकि मारना क्रिया यदि अपराध है तो राम अपराधी दिखते हैं कि राम ने रावण को मारा। और दूसरे वाक्य में रावण अपराधी दिखता है, मरने वाला, कि रावण राम के द्वारा मारा गया। मैंने राम ने तो बहुत समझाया कि तुम सीता वापस दे दे तो हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपना राज कर आराम से रह, लेकिन वो नहीं माना, आखिर राम के हाथ से मारा गया। समझे ना, सारी गलती रावण की है। इसलिए एक जब क्रिया का कर्ता करण हो जाता है, अब एक कर्ता करण में ये मेरी गाथा में आने वाला है, इसलिए समझा रहा हूँ, कोई व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आप समझना, इसमें आने वाला है उत्तमचंद जी कि कर्ता कर्त्री और करण दोनों अभेद हैं, ये चर्चा आने वाली है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो बस इतना खेल है, बात एक ही है, समझ में आई ना। तो वो ये कहते, देखो अब इसमें पढ़ो आप, ज्ञान में ज्ञान है कहाँ, बे अर्थ ना हो ज्ञान में, कौन अर्थ है? जिनकी पीछे हमने चर्चा की है, ये चर्चा करके आए हैं पीछे कि सारे पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, जानने में आते हैं। तो बे अर्थ ना हो ज्ञान में, यदि बे पदार्थ ज्ञान में ना हो तो ज्ञान ना हो सर्वगत, फिर ज्ञान को सर्वगत कौन कहेगा? ज्ञान जो सर्वगत है, वे सारे पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए तो ज्ञान को सर्वगत कहा जाता है। सारे गे, क्योंकि आत्मा तो सर्वगत हो नहीं सकता। ध्यान से सुनना कि क्या बात कर रहे हो, अभी कहेंगे आत्मा सर्वगत है, क्यों? कि अलोक आकाश में नहीं जा सकता। यदि जाना अर्थ में हम गत लें तो लोक आकाश तक ही आत्मा जाएगा, और सब में तो अलोक आकाश भी आ गया, तो आत्मा सर्वगत नहीं हो पाया ना, जाने जाने की अपेक्षा। तो वो सर्वगत जो आत्मा है, ज्ञान जो सर्वगत है, वो जानने की अपेक्षा, वो लोकालोक को जानता है, और लोकालोक में सब पदार्थ आ गए, इसलिए उसे सर्वगत कहते हैं। तब ज्ञान को कहो चाहे आत्मा को कहो, समझ गए ना। देखो, वे अर्थ ना हो ज्ञान में, यदि ज्ञान में वे पदार्थ ना आए हो, माने जानने में ना आए हो, अब अपन कह रहे कि ना हो, माने वे वहां से आकर के आत्मा में घुस गए, ऐसा नहीं। ये रूमाल मेरे ज्ञान में है, इसके लिए मेरी आत्मा में है, इसके लिए इस रूमाल को इधर घुसेड़ने की जरूरत है कि जहां आत्मा के प्रदेश है, क्यों नहीं है ना। माने जान लेने कोई पदार्थ ज्ञान में है, ऐसा कहा जाता है। यदि इतनी बात तुम स्वीकार नहीं करोगे तो फिर आत्मा को सर्वगत नहीं कह सकते, और चूंकि आत्मा को सर्वगत कहा है, इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि सारे पदार्थ आत्मा में हैं। माने बस बताना उनको यही है कि आत्मा उन्हें जानता है, तो फिर जानता है तो उसमें पदार्थ आ गए, पदार्थों में वो चला गया, ये सब बातें करने से क्या फायदा है?
मैं पीछे बहुत चर्चा कराया हूं, लेकिन थोड़ा बताता हूं कि इसको कहा था कि तुझे सर्वज्ञ बनना है, कि मेरे बस की नहीं है। कुछ लोग एक विषय में, दो विषय में, तीन विषय में, चार विषय में। हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे तो वे सात विषयों में तीर्थ थे, पांच विषयों में आचार्य थे, न्यायाचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, समझे ना, और तीर्थ, न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, ऐसे पांच सात विषयों में तीर्थ थे। उनको व्यसन होता है, पढ़ते ही रहते हैं, बढ़ाते तक परीक्षा ही देते रहते हैं। अपना एक विद्यार्थी है, इधर है मांसवाड़ा तरफ है, वो सात सात विषयों में एमए कर लिया उसने, नौ में, अब नौ हो गए, तो द्वारा में चर्चा करूंगा जब तक ग्यारह हो जाएंगे। मतलब ऐसी उनको आदत होती है, मैं निरंतर वो पढ़ते रहते। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो जो पदार्थ है वो जानते ही तो है ना उन्हें क्या करता है, तो वो सारे पदार्थ उनको ही ये कहते हैं कि वे आत्मा में हैं, ज्ञान में हैं, ज्ञान में हैं माने जानता है। उसको ये भी कहते हैं कि वो पदार्थ ज्ञान में हैं, और इसको भी कहते हैं कि ज्ञान उनमें चला गया। अब ज्ञान सर्वगत है माने ज्ञान आत्मा में, ज्ञान सारे पदार्थों में चला गया। तो अब वो कहते पदार्थों में ज्ञान आ गया, चला गया, और ज्ञान में पदार्थ आ गए। तो वो आदमी कहता था कि मैं भाई, मैंने तो एक विषय में एमए कर लिया रो रो के, अब मेरे बस की नहीं है कि मैं दूसरे विषय में करूं। ऐसे भी बहुत महारथी हैं, क्यों प्रवीण है ना, तो उनको ये कह रहे कि तू घबराए मत कि सारे पदार्थ मेरे ज्ञान में आए तो मेरे को झेलने की ताकत नहीं है, और कि मैं सारी दुनिया को जानूं ये मेरे बस की बात नहीं है। यानी सीधी सच्ची बात यह है कि वो सर्वज्ञ होने से इनकार कर रहा है, उसे सर्वज्ञ नहीं होना है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है ना, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना ज्ञान में रखना पड़ेगा, क्यों। तो उनको कह रहे कि तुम घबराओ मत, वो सारे पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में आ जाएंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना बेटा, तुम्हें कहीं नहीं जाना। वो कहता था मैं नहीं जा सकता, मैं सब पदार्थों में नहीं जा सकता, क्या कि कोई तुम चिंता मत करो, सारे पदार्थ तुम में आएंगे। पवन जी ने मेरे से कहा कि दादा हम यहाँ पर दर्शन विज्ञान विभाग खोल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको उसका दीन बनाना चाहते हैं कौन देवी। मैंने कहा भैया मैं कहाँ आऊंगा, मैं तो इतनी दूर रहता हूँ, मैं तो कहीं आ नहीं सकता, और मैं क्या करूंगा, मेरे बस की नहीं है। तुम काम बताओ तो मैं कर दूंगा कि कोर्स की किताबें बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो जो भी बात मेरे बस की बात थी मैंने की। तो मैंने कहा मैं आ नहीं सकता, तो उनने मेरे सामने उपकुलपति को कहा और उनको प्रोफेसर को कहा कि ये डॉक्टर साहब जब नहीं आ पाए और जरूरत समझे आपको बुलाएं तो आप लोग जाना जयपुर। बोले अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब आपको जब आना हो तो आप आ जाना, और इन्हें बुलाना हो जब ये बुलाना, लेकिन ये काम आपको तो ठीक है भैया कर लेंगे। तो हम ये आश्वासन देना चाहते हैं ज्ञान की तरफ से कि चाहे पदार्थ तुम में आए और चाहे तुम पदार्थों में जाओ, तुम्हें कोई तकलीफ का काम नहीं है, तुम्हें हाथ पैर नहीं हिलाने हैं। बोलो अब तो कुछ नहीं, तुम्हें अब क्या तकलीफ है, सारे पदार्थ हमारे ज्ञान में आ जाए तो हमें क्या ऐतराज है कि यहाँ कोई बोझा पड़ने वाला नहीं है। वो नौ विषयों में एमए हो गया है तो उसके सिर में दर्द रहता होगा ना, उसको कुछ अपने माथे पर ऐसी पगड़ी मगड़ी बांधना पड़ती होगी ना। नेहरू जी ने इंदिरा जी को एक लेटर लिखा था जेल में से, वो हमारे कोर्स में था, उसका हेडिंग था लेटर टू इंदिरा ऑन हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे, उसके जन्मदिन पर उनको लिखा गया पत्र, और नेहरू जी के पिता ने लिखा था जेल से। तो उसमें बहुत बातें तो होंगी, लेकिन एक बात ये थी कि उनने लिखा था
कि मैं तुमको कुछ शिक्षाएं दे रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ, तो तुम ये मत समझना कि मेरे को ज्ञान का अजीर्ण हो गया है। मैंने आप समझ गए ना, इसलिए मैं जबरदस्ती उपदेश दे रहा हूँ तुम्हें। उन लोगों को ये डर लगता था अपने बेटे को समझाने में भी, कि बच्चे 2 मिनट में कहने लगते हैं दादा उपदेश मत दो, हो गया। सारी दुनिया तो हमारे उपदेश के लिए तरसती है और वो कहती है उपदेश दो उपदेश दो उपदेश दो। अब ये बच्चे हमें समझाएंगे कि हमें उन्हें उपदेश नहीं दें, क्यों? तो वो ये कह रहे कि मेरे को तुम ये मत समझना कि मेरे को ऐसा अजीर्ण हो गया है जो मैं तुमको ये बातें लिख रहा हूं। तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि हिंदुस्तान में 2000 वर्ष पहले एक चाइना से एक यात्री आया था, हान सांग ऐसा कुछ नाम था, जो भी समझ लो। तो वो यात्री अपने पेट पर एक तांबे का पत्र बांधा रहता था, ऊपर समझे, ऐसे पेट पर बांधा रहता था और माथे पर एक दीपक जला के रखता था। तो वो कहते क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, ज्ञान का प्रतीक तो दीपक रखता था और मेरा ज्ञान इतना अधिक बढ़ गया है कि मुझे डर लगता है कि मेरा पेट फट ना जाए, इसलिए वो कोपर बांध के उसको कस देता था कि पेट को सहारा मिले। तो जैसा अजीर्ण उस यात्री को हो गया था, नेहरू जी ने लिखा कि वैसा अजीर्ण मेरे को नहीं हुआ है, लेकिन तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास देने को अभी कुछ नहीं है, क्यों? तो मैं थोड़ा उपदेश देता हूं। क्या? मैं थोड़ा उपदेश देता हूं। तो वो कहते हैं ऐसा अजीर्ण किसी को ना हो जाए कि तेरा स्वभाव में उसका बोझा बढ़ने वाला नहीं है, तेरा पेट नहीं फटेगा, यानी सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में आएगा तो तेरा जो आनंद है ना सुख, वो भग्न नहीं होगा, उसमें कोई तकलीफ खड़ी नहीं होगी, बल्कि वो अनंत हो जाएगा, अतिंद्री हो जाएगा। क्या? अतिंद्री ज्ञान के साथ सुख भी अतिंद्रिय हो जाएगा। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, अपन पढ़ रहे थे ना, बे अर्थ ना हो ज्ञान में तो ज्ञान ना हो सर्वगत, और ज्ञान है यदि सर्वगत, यदि ज्ञान सर्वगत है माने माना ही गया है, पीछे सिद्ध करके आए हैं, है ना, तो वे पदार्थ ज्ञानगत क्यों नहीं हो सकते? वे कहते कि तुम हम तुम्हें जानते हैं तो तुम हमारे ज्ञान में आ गए, इसमें क्या दिक्कत है, दोनों का एक ही अर्थ है। वो कह तो काय का फर्क है भिक्षकर्तन जी, एक्टिव और पैसिव वॉयस का, कि हमने जाना तो हमें सक्रिय हुए, हम करता दिखे, हालांकि इसमें भी कुछ करना नहीं है हमें, क्योंकि जानना हमारा स्वभाव है। बहनों की समझ में आता है, जानना हमारा स्वभाव है इसलिए हमें कुछ करना नहीं है, और वे पदार्थ अपने आप हमारे ज्ञान में आएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा जब, है ना। तो उसी को कहते हैं कि आत्मा सबको जानता है, और उसी को कहते हैं कि सारे पदार्थ आत्मा में आ गए। तो उसे ये भी कहते हैं कि आत्मा सर्वगत है, और ये भी कहते हैं कि सारा लोकालोक ज्ञानगत है। समझ में आई बात? गौतम जी, ये गंभीर विषय हैं। देखो मैं तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या करता हूं, जितने अच्छे विद्वान तुमको समझाने के लिए मिले हैं हमें नहीं मिले थे, सच बोलता हूं। दादा से पूछ लो, हमारे गुरुजी जो न्याय शास्त्र हमें पढ़ाते थे उन्हें कुछ नहीं आता था, उससे अच्छा हम समझते थे। तो हम जाकर के एक ब्राह्मण पंडित से पढ़ते थे चुपचाप जाकर के,
जब हमें पता चला उन लोगों को ये ब्राह्मण पंडित के यहाँ पढ़ने जाते हैं, उनका नाम था जगन्नाथ शास्त्री, वो जैन न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे, मुरैना की बात बता रहा हूँ। और जो जिन जो जिन्हें कुछ नहीं आता था वो न्याय पढ़ाते थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, शायद उनका उनका भी स्वर्गवास तो हो गया। लेकिन तुमको बहुत अच्छे विद्वान, अकेले प्रवचनों में नहीं, पढ़ाने में भी मैं सब सुनता हूँ, सुनता हूँ एक एक को। उत्तम सिंह जी, मैं वैसे कमेंट्स नहीं करते हूँ, मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं मेरे से आप चाहे जैसा कुछ नहीं लिखवा सकते हो। मेरे पास आज एक पत्र आया है, पड़ा है मेरी टेबल पे, उसमें लिखा है कि ये फला आदमी की फला किताब निकली है और उसमें फला बड़े विद्वान ने सम्मति दी है, और वो किताब में बहुत गलतियां हैं लेकिन उन्होंने बिना ही देखे सम्मति दे दी, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लिखा है पत्र में, वो गलतियां भी बताएं। वो संकेत में मैं समझ तो सब गया कि किस विद्वान की बात कर रहे हैं, जो क्या है, लेकिन मैंने कुछ नहीं, मेरे से कोई ऐसा नहीं लिखवा सकता। सैकड़ों लोग नाराज हो गए, शत्रु बन गए, ये मन्नू लाल जी है ना सागर वाले, तो इसीलिए शत्रु बने कि उनकी किताब पर मैंने सम्मति लिख के नहीं दी, और उनकी किताब में लिखा था कि दो मिनट में सम्मा दर्शन आपको करा सकते हैं अभी हाल। ये वहां की घटना है, कहाँ की, वो अपने कोलापुर के पास है ना, क्या गांव है गांव का नाम, जय सिंहपुर का सिविल लगा था ना अपना, तब की बात है, तब से वो मेरे शत्रु हो गए। और रोजाना प्रवचन करते हैं मंदिर में, तो आध घंटा मेरे को गालियां देते हैं और आध घंटा प्रवचन करते हैं, रोजाना एक दो नहीं। तो मेरा गालियों का जो कोटा है ना, वो पूरा कर देते हैं, तो और लोगों को देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो वो ये कहते हैं कि ज्ञानगत, वो ज्ञान में सारे पदार्थ आएंगे और आत्मा उन्हें जानेगा, ये दोनों सहज स्वभाव हैं। तो नहीं तुम ये नहीं कह सकते, फिर तो दो तरह से कहना ही क्यों, आत्मा को सर्वगत कहना कि पदार्थों को ज्ञानगत कहना, गेयों को ज्ञानगत कहना क्या, आत्मा को गेयगत कहना, सर्वगत और आत्मगत, ये दो शब्द हैं। तो कहते दोनों का एक ही अर्थ है, बस अपेक्षा समझ लो ना, गे आत्मा में आते हैं और ना आत्मा गेयों के पास जाता है, दोनों अपनी अपनी जगह ही रहते हैं, यहां तक कि अलोकाकाश अलोकाकाश में रहता है और लोकाकाश में रहने वाले आत्मा में आ जाता है, और जीव अलोकाकाश से बाहर जाता नहीं है, और वो सर्वगत अलोकाकाश उसके ज्ञान में आ जाता है। ऐसा तुम्हारा स्वभाव है और उसमें बिना मेहनत के कुछ नहीं करना है, तो अब तो कम से कम मुझे सर्वज्ञ नहीं बनना है ऐसा मत सोचो, अभी तो ये समझा रहे कि सर्वज्ञता से इनकार मत करो, क्योंकि ज्ञान को बोझा मानने वाले लोग सर्वज्ञता से इनकार करते हैं, समझ में आए ना। देखो मैं ये देखो इसलिए पढ़ रहा हूं कि कल से जो आप इसका पाठ करोगे तो आपको आनंद आना चाहिए, हर आदमी दौड़ करके इस ये गाथा मत का पाठ करना है तो उसे यहाँ आना चाहिए, इसके लिए मैं ये गाथाएं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो अभी अभी मैंने निर्णय किया है, इसके इस पे बैठा गद्दी, उसके पहले में ये निर्णय नहीं था। ज्ञान है यदि सर्वगत तो क्यों ना हो वे ज्ञानगत, यदि ज्ञान को सर्वगत कहते हो तो पदार्थ ज्ञानगत क्यों नहीं है। अब तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं आएंगे, हाँ शादी में विवाह में कोई में भी, समझ लो आप, केवली भगवान परना गृह छोड़े परण में चहुं ओर से संपूर्णतः निरवशेष बेसब जानते। अब केवली भगवान किसी को ग्रहण नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, पकड़ते नहीं, कुछ नहीं करते, तो बता रहा है बिल्कुल उनके माथे कुछ काम नहीं है, बस बस एक एक, एक बस थोड़ी सी बात है, क्या है थोड़ी सी बात हेमचंद जी, कि संपूर्णता और निरवशेष, निरवशेष माने कुछ बाकी नहीं, शेष माने बाकी होता ना, बाकी बचना,
शेष रहे इतने बोलते ना, और निरवशेष माने कुछ बाकी नहीं बचा, ऐसा वे सारे पदार्थों को जानते हैं, निरवशेष पदार्थों को जानते हैं और उनको झलकते हैं सारे पदार्थ। लिखा लिखो क्या लिखा दो, केवली भगवान यद्यपि पर को ना ग्रहण करते हैं ना छोड़ते हैं ना प्रणमते हैं, चौं ओर से लेकिन चारों तरफ से संपूर्णता पूरी तरह से निरवशेष मन संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं, इसी को बोलते हैं गेय पदार्थ में आ गए। अपन समझ एकदम सारे गेय आक्रमण करते होंगे चारों तरफ से घुसते होंगे तो आत्मा की क्या हालत होगी होगी है? दो गाथाएं हो गई। अब पहली गाथा में कहा था ज्ञान के सारे पदार्थ आएंगे और फिर एक कह दिया कोई घबराना नहीं कुछ नहीं है अपने आप आएंगे। श्रुत ज्ञान से जो जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा श्रुत केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के। कहते अब केवली की बात थी, अब जो श्रुत केवली की आ गई कि श्रुत ज्ञान से जो ज्ञायक स्वभावी आत्मा को जानते हैं उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। अब ये कहा कि वो सारी दुनिया को जानते हैं ऐसा नहीं लिखा, यद्यपि वो द्वादशांग को जानते हैं तो श्रुत केवली केवली कैसे कहते हो, केवली तो सबको जाने उसे बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि उसको आत्मा को जाना ना, तो कैसे आत्मा को जाना बोलो केशव देव जी, जिसमें सारा लोक का लोग झलक रहा है ऐसे आत्मा को जाना ना तो आ गया ना लोक। समझ गया ना, सम्यक दृष्टि को सर्वज्ञ को जानना जरूरी है, सर्वज्ञ जो जानता है वो जानना जरूरी नहीं है, फिर समझ लेना। समझ आई रहे बात के, एक एक बात मोटी जैसे है। वो सर्वज्ञ को, हम सर्वज्ञ को जानते हैं कि सर्वज्ञ क्या जानता है हम ये जानते हैं, लेकिन सर्वज्ञ जो जानता है वो हम नहीं जानते। ये क्या बात है, दो बातें क्या कह रहे हो, माने हम जानते हैं सब पदार्थ प्रत्येक द्रव्य के गुण को पर्याय को एक एक समय की पर्याय को आगे कहेंगे ये सब जानते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन जैसा वो जान रहे वो हमारे ज्ञान का गेय अभी नहीं बन रहा। देखो चौं ओर से संपूर्णता निरवशेष वे सब जानते, श्रुत ज्ञान से जो जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा श्रुत केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के। वे ऋषिगण जो लोक को प्रकाशित करने वाले हैं वे कहते हैं, मैं सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, जिन वर कथित पुद्गल वचन की सूत्र उसकी ज्ञप्ति ही है ज्ञान उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहें। ये गद्य है क्या पद्य, इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, गद्य जैसा ही पद्य है। देखो फिर पढ़ता हूं, जिनवर कथित पुद्गल वचन ही सूत्र उसकी ज्ञप्ति ही है ज्ञान उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहें। आया समझ में, तो क्या कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए पुद्गल के वचन जो दिव्य ध्वनि में खिरे थे वे हैं सूत्र, और उनके द्वारा जो वस्तु स्वरूप कहा गया है उसको जानना वो ज्ञप्ति है, उन सूत्र की ज्ञप्ति। अब हमें शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान माने क्या, उसमें जो वस्तु का स्वरूप कहा है उसे जानना, उसकी उनकी ज्ञप्ति ही है ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं और उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहें। केवली भगवान कहते हैं कि जिन सूत्र को जानने वाला है, इसलिए सूत्र के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जानने वाला है, इसलिए ये श्रुत केवली है। कौन सा हो गया, ज्ञप्ति कहें 34। अब यहां तक अपना विषय हो गया, 35 नहीं गाथा अपनी चल। अब एक गाथाएं पढ़ोगे तो समझना इतना हो गया। अभी ये कहेंगे कि उस श्रुत ज्ञान कोई फर्क नहीं है, केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो क्या करो कि केवल को भी हटा दो और श्रुत को भी हटा दो, दोनों तो उपाधि है ना, उपाधि लगा देते हैं ना अपन, महामहिम राज्यपाल साहब उपाधि लगा दिया तो श्रुत ये उपाधि है,
तो उपाधि को हटा दो, तो केवल उपाधि को हटा दो तो दोनों ज्ञान ले गए, कि क्या फर्क है, श्रुत ज्ञान भी ज्ञान है, केवल ज्ञान भी ज्ञान है। अब समझ में आया ना आपकी ना। देखो अब ये कल पाठ करोगे तो आपको आनंद आएगा और मेरे विषय में मुझे प्रवेश करने में सुविधा होगी। अब अपन आ जाओ अपनी 35वीं गाथा पर। देखो पहले एक पेज जरा पीछे करो इस शास्त्र में, लो इसमें 34वीं गाथा का हेडिंग देखो, इससे ही देख लेते हैं कितना कौन सा पेज है। उसमें लिखा है, ये लिखा, अब 34वीं गाथा में कहते हैं कि यदि श्रुत की उपाधि की उपेक्षा करें तो श्रुत ज्ञान भी ज्ञान ही है। एक बार तो श्रुत की उपाधि की उपेक्षा करें, मैंने हटा तो हम नहीं सकते, वो तो जहां है जो है, हम अपने ज्ञान में उपेक्षा कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं। श्रुत की उपाधि का उपाधि है ये, कोई स्वभाव नहीं है। तो श्रुत की उपाधि की उपेक्षा करें तो श्रुत ज्ञान भी ज्ञान ही है। अब देखो अपना 35वीं गाथा का हेडिंग पढ़ो, विगत गाथा में मिल गया ना, श्रुत ज्ञान में श्रुतोपाधि का निषेध किया, श्रुत ज्ञान में श्रुत इस उपाधि है इसको हटाने की बात कही। जैसे अपन कहते हैं ना भाई प्रधानमंत्री जी वो क्या नाम है जो भी समझ लो, वो यहाँ आ रहे हैं, तो भाई प्रधानमंत्री ये हटा दो ना, तो फिर जैसे वो जैसे अपन, फिर क्या, जैसे अपन। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ एक मिनट में, जिससे आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। ये मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा, आपने नाम सुना होगा। वो जब वे मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका की जेना नाम की संस्था है जिसमें 2 साल में अधिवेशन होता है, 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनने उन्हें निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ पधारना, जब वे मुख्यमंत्री थे। अब वो जब वो अधिवेशन हुआ तब वे मुख्यमंत्री मिट गए थे। अब क्या करें, अब समस्या खड़ी हो गई। लेकिन उनकी लड़की उसी गांव में रहती थी जहां वो अधिवेशन था, उसका नाम है पिट्सबर्ग। तो वे उस टाइम पर अपनी लड़की के यहाँ पहुंच गए, मतलब वे वहां हाजिर हो गए। जब वहां हाजिर हो गए तो फिर उनको फंक्शन में भी बुला लिया गया, बाद में ऐसी दो उपेक्षा कर दी गई थी, फंक्शन में बुला लिया गया। तो हम दोनों ये बगल बाई बगल में बैठे थे, मैंने 15 अधिवेशन उसके किए हैं जेना के, तो हम बगल में ही बैठे थे। अभी इस साल तो ये भी थे हमारे साथ संजीव गोदा, बगल में बैठे थे। बहुत बात हुई तो उनने ये कहा, अपने भाषण शुरू किया कि सब लोग कहते थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो उनने कहा कि भैया मुझे जबरदस्ती भूत क्यों बना रहे। मैं जानता हूं तुमने मुख्यमंत्री को बुलाया था और अब आया है सुंदरलाल पटवा, वो एक जैन है ना, तो इसमें जब 10,000 जैन उपस्थित हैं तो मैं भी इसमें सम्मिलित हो सकता हूं कि नहीं। तो मैं एक जैन के नाते हाजिर हुआ हूं, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हाजिर नहीं हुआ हूं, तो मेरे को जबरदस्ती भूत मत बनाओ। और मेरी बात सिर्फ जैन समझ करके ठीक है। अब उपाधि हटाने का समझ में आया ना, तो मुख्यमंत्री उपाधि हटाना कितना जरूरी हो जाता है, कभी कभी उसका बार बार कहना वो उसको उसको अपमान हो लगता है कि भाई कीमत तो मुख्यमंत्री की है, तुम्हारी व्यक्ति की नहीं है, समझ गया ना। कोई जो लोग जितना नेता होते हैं, ऑफिसर होते हैं,
सिर्फ पद की जब होते हैं तब बुलाए जाते हैं, है ना। हम लोग ऐसे हैं कि बिना ही पद के बुलाए जाते हैं, हमारे पास भी हर साल निमंत्रण आता है उसका, लेकिन हम किसी पद पर हैं इसलिए नहीं बुलाया जाता। उन्हें पता भी नहीं है, 10-20 साल तक तो पता ही नहीं चला कि हम किसी संस्था के पद पे हैं, कि विद्युत परिषद के अध्यक्ष हैं, कि टोडा मुस्मारक के महामंत्री, ये पता ही नहीं था। वे तो हुकुमचंद को बुलाते हैं, तो ये कोई दिक्कत खड़ी होती नहीं, समझ गए ना। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि तुम आत्मा को आत्मा नहीं रहने दोगे, ज्ञान को ज्ञान नहीं रहने दोगे, ये सुरत की केवल ये उपाधियां क्यों लगाते हो। तो कहते पिछली गाथा में श्रुति की उपाधि का निषेध किया था, अपन पढ़ रहे थे ना, विगत गाथा में श्रुति ज्ञान में श्रुतोपाधि का निषेध किया गया, और द्रव्य यानी द्रव्य श्रुति का निषेध किया गया, यानी द्रव्य श्रुति का निमित्त का निषेध किया गया, और अब 35वीं गाथा में आत्मा और ज्ञान में कर्ता करण संबंधी भेद का भी निषेध करते हैं। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार। अब ये समझना ये हेडिंग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस गाथा में वो बताइए, और फिर समझ में आई ना। श्रुत पहले श्रुत की उपाधि का निषेध किया था, वो तो मैंने आपको बता दिया, और अब इस गाथा में क्या बताएंगे परमात्म। वो कहते हैं आत्मा जानता है कि ज्ञान जानता है, ये झगड़ा है, निपटा दो। तो कहते आत्मा ज्ञान से जानता है, अब तो झगड़ा खत्म हो गया, ज्ञान को भी महत्व मिल गया और आत्मा को भी महत्व मिल गया। तो इस गाथा में भी पढ़ूंगा मैं, घबराना नहीं अभी, इस गाथा में भी वो ये कह रहे हैं, मुझे पता नहीं कितने बजे शुरू किया, इस गाथा में भी वो ये कह रहे हैं के वो क्या है श्रुत ज्ञान क्या क्या कह रहा था, हाँ करण करण और कर्ता, इस ज्ञान से आत्मा जानता है। तो कहते हैं कि आत्मा से ज्ञान कोई जुदा है, ऐसा है कि कोई एक आदमी फरसे से पेड़ को काटता है, समझ गए, फरसा समझ गए, फरसे से पेड़ को काटता है, तो ये फरसा जो काटता है उससे अलग है, मन पृथक भूत है, वो करण के अपृथक भूत है, फरसा अलग है, नहीं वो फरसा तो नहीं काट सकता, वो बड़ई फरसे से लकड़ी को काटता है, समझ में आई ना आपकी में। और एक वो कहते हैं अग्नि उष्णता से जलाती है, माने गर्माई से जलाती है। अब कहते अग्नि जलाती है ये पर्याप्त नहीं है, वो जबरदस्ती गर्माई से, वो क्या कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान से जानता है, काहे को जबरदस्ती खड़ा कर दिया, आत्मा जानता है इतना पर्याप्त नहीं है क्या। एक कर्ता कर्म का मन आत्मा कर्ता, ज्ञान करण और उसके द्वारा जाना, तो ये जबरदस्ती का कर्ता कर्म का भेद खड़ा किया, तो वो भेद नहीं है वस्तु के स्वरूप में, ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा को ज्ञान से जानना पड़ता है, आत्मा सीधा जानता है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, समझे, कोई ज्यादा कठिन तो नहीं है ना। मैंने कहा मैं बहुत सरल करके समझाऊंगा, लेकिन आपको उपयोग स्तर करना ये आपकी जिम्मेवारी है। देखो मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ो भैया, जो जान दिशोड़ाणम जानता है उसे ज्ञान कहते हैं, आत्मा किसी ज्ञान से ज्ञायक नहीं है, वो जानता है इसलिए ज्ञायक है, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे, बड़ा अटपटा लगता है ना, ज्ञान से नहीं जानता तो कैसे जानता। वो कहते हैं
एक मत ऐसा है, शायद नहीं मान सके कोई ऐसा मत है कि जो ये कहते हैं कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं है। ज्ञान नाम का गुण आत्मा नाम के द्रव्य में समवाय नाम के संबंध से जुड़ा है। एक समवाय नाम का भी एक पदार्थ होता है उनके यहां। समवाय जानते हैं क्या क्या हो गया है? जैन सिद्धांत में जो तादात्म्य संबंध है उसी टाइप का न्याय शास्त्र में जो नैयायिकों के यहाँ किनके यहाँ है वो समवाय नाम का संबंध है। और वो ये मानते हैं कि ये द्रव्य है, ये गुण है, और गुण द्रव्य से चेटते हैं तो वे समवाय नाम के संबंध से चेटते हैं। तो इनने बहुत बहस करी, कैसी बात करते हो तुम, वो जो ज्ञान है वो समवाय नाम के संबंध से आत्मा ही से क्यों चेटा, राख से चेट जाता, चूल्हे की राख से। मैंने एकदम जो अजीब है ना, समझे ना, वो जल से नहीं कहा, मिट्टी से नहीं कहा, क्योंकि वो सजीव हो सकते हैं। वो राख माने अभी जल जल के निकली है ना, तो उसमें किसी कीमत पे जीव नहीं होगा, तो वो अचेतन पदार्थ से चेट जाए, फिर ये तो नहीं रहा ना, तो जिससे चेट जाएगा ज्ञान वही जानने लगेगी। लेकिन वो आत्मा नहीं है और किसी दूसरे पदार्थ में नहीं है, तो ऐसा ज्ञान अलग है और उससे आत्मा ज्ञानी नहीं है। मैं ज्ञान से ज्ञानी नहीं हूं, मैं कह रहे मैं जानता हूं इसलिए ज्ञानी नहीं हूं। मैं निगोदिया में भी ज्ञानानंद स्वभावी था ना, निगोद में जब नहीं जानता था तब भी मैं ज्ञानी तो था ना, ज्ञान स्वभावी था कि नहीं था। इसलिए कहते हैं कि मैं किसी से ज्ञानी नहीं हूं। तो वे कहते कहते जो कर्ता और करण का जो भेद खड़ा किया वो नहीं है, तो उन्हें दो किए गए। कर्ता कर्म का प्रयोग व्याकरण में दो तरह से होता है, कौन कौन से दो तरह से? एक तो वो बढ़ई ने फरसे से लकड़ी को काटा और एक अग्नि ने उष्णता से जलाया। तो अग्नि और उष्णता, तो अग्नि हो गई कर्ता, उष्णता हो गई करण, ऐसा भी प्रयोग होता है। आत्मा ने ज्ञान से जाना, तो आत्मा ने ज्ञान से जाना, उसमें वो फरसा वाला लेना कि अग्नि वाला लेना, ये दोनों उदाहरण इनने इसमें दिए हैं, दोनों उदाहरण दिए हैं, फरसा वाला भी और अग्नि वाला भी। और ये कहा है कि फरसे वाला करण नहीं है, अग्नि वाला उष्णता माने वो अलग अलग है ही नहीं, ये तो सिर्फ हमारे ज्ञान की कल्पना में हमने ऐसा भेद करके एक कह दिया ना कि मैंने मुझको दिया, तुमने तुझको क्या दिया, ऐसे भेद से क्या फायदा है? मैंने अपने को जान, अरे तो अपने को जाना इस भेद से क्या फायदा है? जाना तो कहते अपने अपने को जानना कैसे आएगा? अरे सुपर प्रकाशक स्वभाव है, समझना, ठीक है, मुझे अपने को जानना है, अपने को जानना है, बहुत कोशिश कर रही है ये, ऐसे आंखें बंद करके, ऐसा करने वालों को कभी आत्मा जानने में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा तो जानने में आ ही रहा है 24 घंटा आबाल गोपाल को, वो आंखें बंद करने से जानने में आएगा क्यों? कई उपयोग यहां वानी भटकेगा, तुम उपयोग को पकड़ के इधर को ले जाओगे, ऐसा नहीं है। सुधार तो कहां करना है कि ये मैं हूं, ऐसी श्रद्धा नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान है, इसलिए मिथ्या दर्शन है। उसे जानना नहीं है, जानने में तो आ ही रहा है, जो करना नहीं वो कर रहा, तुम वो कर रहे, कोशिश कर रहे कि हम जानने की कोशिश कर रहे, तुम नॉर्मल नहीं हो सकते हो। मैंने वो समाधि मन की किताब में लिखा है कि या तो हम जीने की कोशिश करते हैं या मरने की कोशिश करते हैं। समाधि मरण हो गया ना, तो अब धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, पहले रोटी छोड़ूंगा, फिर दूध छोड़ दूंगा, फिर गर्म पानी छोड़ दूंगा, कुछ सब छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा। मरने की तरफ कोशिश करने लगते हैं, जीने की तरफ कोशिश करने लगते हैं,
समाधि मैंने तो न मरने की तरफ कोशिश का नाम है, न जीने की तरफ कोशिश का नाम है, तो क्या का नाम है दादा? कि जब तक शरीर को खाने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, और उससे शरीर टिकता है, तब तक तो तुम्हें छोड़ने का अधिकार ही नहीं है समाधि में रहने। वो तो मरने की तरफ जाना है, वो तो सचमुच आत्महत्या है। क्या कह रहे, समझना, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं मैं तो, लिखी भी है, आ जाएगी कुछ लोगों दिनों में हाथ में आप लोगों के। क्या जब वो शरीर उसे अस्वीकार कर दे, उसकी भाषा में कहेंगे तुम्हें पचे नहीं, तब छोड़ना। तो वे क्या कहे, वो तो शरीर ने छोड़ दिया ना तुम्हें, वो शरीर छोड़ेगा, हमें तो सहज भाव से स्वीकार करना है। वो शरीर ग्रहण करे तो ग्रहण करे, और नहीं छोड़े तो छोड़ दे। हमारे पिताजी का हमने अपने आंखों से देखा है कि उनकी सारी जांचें कराई, कोई बीमारी नहीं, बस खाना पचना बंद हो गया, एकदम दुबले 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 होते गए, बाद में दूध भी बंद हो, पचना बंद हो, शुरू खत्म हो गया, फिर पानी पचना खत्म हो गया, बिल्कुल अंतिम सांस निकलने के 2 मिनट पहले तक बिल्कुल होश में तत्व की चर्चा कर रहे, बात कर रहे, और उतर के बार बार खाट में से नीचे, पलंग में से नीचे, और चटाई पे लेट जाते बैठा करके। हम कहते नहीं, तुम चटाई पे नहीं लेट सकते हो, तो ऊपर लेटो। क्यों? कि तुम्हारी हड्डी हड्डी तो रह गई, इस चटाई पे तुम्हारे लेटने के शरीर इसके काबिल नहीं है। ये तुम अपने आत्मा का ध्यान करना है तो इस पलंग पे से कर लो, अभी तुम कोई मुनि नहीं हो, इसकी इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उपयोग निरापद रहे, हमको ऐसा भी कहना पड़ा था, मुझे याद है कि अभी तुम नहीं माने और उसके बार बार नीचे गए, तो हम आपको इस पलंग पे रस्सी से बांध देंगे, ऐसे धोती डाल के ऐसे बांध देंगे, आप शांति से तो करो, बोलो तत्व चर्चा करो ना, विचार करो ना, जो भी करना है करना है, हम कब कहते हैं। लेकिन तुम क्या समझते हो कि खटिया से उतर के नीचे आ गए एकदम मोक्ष में चले जाओगे, और खड़िया पे रहोगे नरक में चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर का क्या संयोग है, क्या इसमें कुछ दम नहीं है। उत्तम जी जानता हूं मैं बहुत खतरनाक बात कर रहा हूं, लेकिन समाधि की बात कर रहा हूं, समाधि लेना है तो उसके लिए काहे का खतरा, कौन से खतरे की बात करता हूं। ऐसा लिखा है शास्त्र के आगम के आधार पर कि जो शरीर को आहार पोषण करता था, जब वो ही आहार उस शरीर का शोषण करने लग जाए तो आहार को त्याग देना चाहिए। तो क्या हो गया, मैंने शोषण करने लग जाए, मैंने नहीं पचे, अब क्योंकि पचेगा है नहीं तो अंदर पहुंच गया तो अब निकालने की और समस्या। एक एक बहुत बड़ी बात कहता हूं मैं कि जब तक आपको जीना संभव है, उसका उपचार संभव है, तब तक संलेखना लेने का अधिकार नहीं है। रत्नगण साहब का तार में लिखा है, पढ़ लो, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम निप्रति कारे धर्माय तनु विवोचन माहु संलेखना मारिया। क्या मैं इस सभा में कई दफे कह चुका कि कोई मुझे आकर के कुछ उपदेश मत देना, जब मैं मन न लगू नवो काल मंत्र नहीं सुनाना, तो लोग कहते कैसा पंडित है, दुनिया तो ये कहती मेरा मरण सुधार देना, मेरा ये कर देना, भैया तुम आकर के संभाल देना, ये कैसा कर। दादा मुझे प्रमाण मिला आगम में, मैंने बताया इन्हें परमात्म को, देखो क्या लिखा, क्या लिखा उसमें कि जब तक वो समाधि लेने वाला स्वयं सोच सकता है, स्वयं पढ़ सकता है, स्वयं बोल सकता है, स्वयं विचार सकता है, तब तक कोई आदमी उसको डिस्टर्ब नहीं करे, वो सोचेगा
इतना सारी जिंदगी हमने पढ़ा है, समझाया है, सारे शास्त्र हमने पढ़े हैं, तो हमने हम आपका हमें क्या सुनाओगे? रोना धोना के अलावा क्या करोगे? ये बताओगे देह पृथक है, आत्मा पृथक है? अरे सारी जिंदगी यही तो रटते रहे तोता जैसा, क्यों क्या बताओगे बताओ? ऐसा नहीं, फिर लिखा जब वो उसका वो पढ़ना उठाना, हाथ में किताब लेना, आंख से देखना, ये सब बंद हो जाए, तब कोई अच्छा विद्वान साधर्मी भाई और बहुत शांत परिणाम से धीरे धीरे वो तत्व की बात कहे, कुछ पढ़ के सुनाए, आचार्यों की बात सुनाए, ये सब करे वो बिल्कुल उसके बाद, और वो चाहे तो बहुत धीमी धीमी से बच्चों को वहां से हटा दे, कोई समाधि मतलब नहीं रहने दे, कोलाहल नहीं रहने दे, समाज के लोगों को नहीं आने दे, रिश्तेदार आए तो दूर से देख के दो मिनट में ही छुट्टी करेगा, नहीं आप जाइए देख लिया जो भाई दो चार जो आदमी हैं उनकी सेवा करने वाले भी रहे, ये सब निकला है। मैं कहता मैं अपने आप सोचता था, उससे मैं इस डिसीजन पे पहुंचा था, वो सब मुझे आगम में मिल रहा सब। आत्मघात 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 क्या क्या आपको कौन रोकता है? मैं आपसे बोलता हूँ, आप क्या लूजीमा खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, कब नहीं खा रहे हो, कब खा रहे हो, रात में खा रहे हो कि दिन में खा रहे हो, क्या आपने आज रोटी खाई कि नहीं खाई, कौन पूछता है तुमने बताओ? तो गवर्नमेंट आती है, कलेक्टर साहब आते हैं कि तुमने आज खाना खाया कि नहीं खाया, तो तुम समाधि में लोगे और तुम नहीं खाओगे तो कौन आने वाला है तुमसे पूछने? कोई नहीं है। फिर हल्ला गुल्ला क्यों होता है? फिर आत्मघात है, हम नहीं करने देंगे, तुम अस्पताल में ले जाएंगे और तुमको बोतल चढ़ा देंगे जबरदस्ती, ये क्यों होता है बोलो बबलू? क्यों कि हमारा बुलेटिन निकलता है, डॉक्टर साहब आरिल की तबीयत ऐसी है, ब्लड प्रेशर इतना है, हाई है, डॉक्टरों ने की है, डॉक्टरों की ये कमेटी बनी है, उसने कहा है कि अब ये है, अब ये बढ़ इतना घट रहा है, इतना बढ़ रहा है, समझे ना? अभी उनको तीन दिन से भोजन नहीं लिया है, ये नहीं किया है, और ये नहीं, अभी कहते हैं नहीं लिया, डॉक्टर कहेंगे लगाओ तो लगाओ इंजेक्शन से चढ़ाओ, तब उनको लगता है तुम यश कमाना चाहते हो, तुम धंधा करना चाहते हो, तुम प्रभावना के नाम बना वालों क्या क्या करना चाहते हो, तो ये झंझटें खड़ी होती हैं, गवर्नमेंट आती है, डॉक्टर आते हैं, तो सब जो अपने अपनी तरह से काम करेंगे, अपने घर में हम शांति से मरे हैं क्यों? और कब खाएं और कब छोड़ें क्या है? हमें हमारा पानी नहीं पच रहा तो तुम जबरदस्ती हमें पानी पिलाओगे? नहीं पीना, यदि तुम बचा सकते हो तो हमारे शास्त्र में तो लिखा ही है कि प्रतिकार हमारी मर्यादा में संभव हो, क्या जो हमारी हम कुछ मांस मदरा खिलाओगे तो हम खाएंगे नहीं, लेकिन हमारी मर्यादा में संभव हो तो हमें बचना ही है। ऐसे कोई समाधि मैं नहीं होता है नहीं, मैं मरी जाऊंगा, अब तो क्या मैं तो समाधि ले लिया है और अब मैंने वो हो गया, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मैंने बचने का रास्ता भी आ जाए तो मैं मर जाऊंगा। ये वस्तु स्वरूप क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। देखो अपन कहाँ पढ़ रहे थे, 35वीं गाथा पढ़ रहे ना, जो जानता सो ज्ञान, आत्म ज्ञान से ज्ञायक नहीं, जो जानता जो ज्ञान है, आत्मा ज्ञान से ज्ञायक नहीं है, स्वयं ही ज्ञायक है। ऐसे ज्ञान ज्ञेय का भेद करने से, और स्वयं परिणत ज्ञान में आत्मा ज्ञान स्वयं परिणत है, उसमें सारे अर्थ माने पदार्थ स्थिति धारण करें, माने उसमें आगे ठहर गए, माने ज्ञान जानने में आ रहे हैं, सारा लोकालोक जानने में आ रहा है, पर को पर जानने में आएगा तो नरक चले जाएंगे, ऐसा है। फिर वो पर को जानने वाला नरक जाएगा तो मोक्ष में जाकर फिर पर को क्यों जाने? जब मुझको पर को ही जानना है, मोक्ष में जाकर के अनंत काल तक पर को जानना है, तो उसे पर को जानने का निषेध कैसे हो सकता है? पहले सहज ज्ञाता दृष्टा रहना है,
तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे जो हो रहा है उसे जानना है। कि मरना है क्यों, कि बचना है इलाज करके, ना मुझे मरना है ना मुझे बचना है। मरना मरू, मरण आएगा तो मरने को तैयार, बचन बचन बचने का आएगा तो बचने को तैयार। लाखों वर्षों तक जीऊं चाहे मृत्यु आ जाए, काय का झगड़ा है, झगड़ा क्या है। तो ये वस्तु का स्वरूप बहुत गंभीर है। उस गंभीरता से देखो, आगे पीछे की गाथाएं पढ़ो, आप लोग घर पे स्वाध्याय करो थोड़ा, और फिर मेहनत करो, तो मैं समझता हूँ कि मैं इनका मर्म अधिक तरीके से आपको समझाने में समर्थ होऊंगा।